हेलो एवरीवन, वेलकम बैक विद अ न्यू वीडियो। आज हम करेंगे चैप्टर क्लास टेंथ का चैप्टर 9 की एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 3। सो इन क्वेश्चन नंबर 3 हमको क्या दे रखा है, कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन अ पार्क फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर। शी प्रिफर टू हैव अ स्लाइड हूज टॉप इज एट अ हाइट ऑफ 1.5 मीटर एंड इज इंक्लाइन एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द ग्राउंड, वेयर एज फॉर एल्डर चिल्ड्रन शी वॉन्ट्स टू हैव अ स्टीप स्लाइड एट अ हाइट ऑफ 3 मीटर एंड इंक्लाइन एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री टू द ग्राउंड, वट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस। ठीक है, नाउ इसमें क्या है, एक कॉन्ट्रैक्टर है, वो 2 स्लाइड्स लगाना चाहता है बच्चों के लिए। नाउ 2 एज ग्रुप के अकॉर्डिंग लगाना चाहता है, यानी कि एक है कि जो बिलो 5 ईयर्स की है, ठीक है, जिनकी एज 5 साल से छोटी है, उनके उसके लिए वो प्रिफर कर रहा है कि 1.5 मीटर की क्या है टॉप होना चाहिए, ठीक है, स्लाइड का टॉप, ठीक है, एंड वो कितने डिग्री एंगल पे इंक्लाइन है, 30 डिग्री एंगल पे इंक्लाइन है ग्राउंड के साथ, एंड वेयर एज जो एल्डर चिल्ड्रन के लिए है वो क्या करना चाहती है, स्टीप स्लाइड लगाना चाहती है, उस स्लाइड की हाइट 3 मीटर होनी चाहिए, ठीक है, एंड वो कितने डिग्री एंगल पे होना चाहिए ग्राउंड से, 60 डिग्री। तो आपको बताना है कि लेंथ क्या होगी स्लाइड की दोनों ही केस में, ठीक है जी, दिस इज द क्वेश्चन। चलिए, सो हम पहले निकालते हैं बिलो द 5 ईयर के लिए, ठीक है, 5 साल से छोटे बच्चों के लिए। सो कितना बोला है, ये है कितना 1.5 मीटर है, ठीक है, इतना हो गया। सो ये इस तरीके से है, ठीक है, यहाँ पे मैंने दे दी ए बी सी, यहाँ से ये इस टाइप से, ठीक है। सो ये मैंने ले लिया है यहाँ से, इसकी हाइट कितनी है, कितनी 1.5 मीटर की हाइट में है, ठीक है। तो हमको क्या करनी है, स्लाइड, ये दिस इज द स्लाइड, ठीक है, इसकी क्या निकालनी है, लेंथ निकालनी, कि व्हाट इज द लेंथ फॉर दिस स्लाइड, दैट मींस वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ए सी, ठीक है, एंड हमको ये दे दिया है कि ग्राउंड के साथ कितने एंगल पे इंक्लाइन है, 30 डिग्री एंगल पे। सो जैसे कि आपको पता ही है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भूले, सो आपको क्या चाहिए, या तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज ये होना चाहिए। सो कौन से रिलेशन पे है, साइन पे है, सो हम लगाएंगे साइन 30, सो साइन 30 विल परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर कितना है आपका ए बी अपॉन ए सी, ए सी इज हाइपोटेन्यूज, ठीक है भाई। सो आपको साइन 30 आपको पता है, साइन 30 होता है आपके पास 1/2, एंड ए बी की वैल्यू इज गिवन दैट इज 1.5, एंड वी हैव टू कैलकुलेट ए सी, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी कि ए सी इज इक्वल टू 1.5 × 2, दैट मीन्स 3 मीटर आगे आपकी ए सी की लेंथ निकलेगी, कि जो बच्चे हैं बिलो द 5 ईयर ऑफ एज, ठीक है, उनके लिए जो स्लाइड की लेंथ है वो कितनी होनी चाहिए, 3 मीटर, ठीक है, ए सी निकल गया। अभी हम दूसरी, क्योंकि इस क्वेश्चन में 2 केस पूछा है, ठीक है, एक है बिलो 5 ईयर एंड एक है एल्डर बच्चों के लिए, तो जो एल्डर बच्चे हैं उसमें कितनी होनी चाहिए, हाइट कितनी होनी चाहिए, ठीक है, कितने हाइट पे, 3 मीटर की हाइट पे स्लाइड लगाना चाहते हैं। सेम क्वेश्चन, सेम डायग्राम उसी तरीके से बनेगा। नाउ अभी हाइट 3 मीटर है, सो ए बी सी, इसमें मैंने ये इसी तरीके से ले लिया, या आप दूसरी कुछ भी ले सकते हैं, ए बी सी की जगह पी क्यू आर एस, एज ए विश, ठीक है। सो ये कितने, इतना हो गया, और कितने डिग्री एंगल बना रहा है, 60 डिग्री एंगल बना रहा है ग्राउंड के साथ मिलके, ठीक है। सो हमको इसमें इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, दैट मीन्स ए सी सेम वही रिलेशन आएगा, इसमें लग जाएगा साइन 60, सो इट विल बी ए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, सो साइन 60 की वैल्यू विल बी √3/2, ए बी इज गिवन दैट इज 3, एंड ए सी वी हैव टू कैलकुलेट, ए सी इधर आ जाएगा, अदर वैल्यू शिफ्ट हो जाएगी 3 × 2, एंड ये √3 इधर आ जाएगा डिवाइड में, ठीक है। सो ए सी विल बी 6/√3, कभी हम √3 वाली वैल्यू को हम एज इट इज नहीं छोड़ते हैं, तो वी हैव टू रैशनलाइज इट। सो रैशनलाइज करने के लिए हमको इसको इस तरीके से मल्टीप्लाई करना, 6 3/3 2 6, सो द वैल्यू ऑफ ए सी इज 2√3 मीटर, ठीक है। नाउ हमें दोनों ही कंडीशन में, फर्स्ट वाली कंडीशन में बिलो द 5 ईयर ऑफ ए स्लाइड की लेंथ कितनी होनी चाहिए, 3 मीटर, एंड इस वाले में निकल गया आपका 2√3 मीटर। चलिए, वी हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन नंबर 3 ओवर हियर, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाउ इन द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव गिवन, जो एंगल ऑफ एलिवेशन है टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। नाउ हमको टावर की हाइट निकालनी है, सपोज दिस इज योर टावर, ठीक है, हम ये हमारे पास टावर है, लाइक मैंने इसे ले लिया ए बी, हमारे पास यह एक टावर है, ठीक है। सो इसमें बोला है जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, कहाँ से, टावर की टॉप से, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ठीक है, कितना डिग्री एंगल बना रहा है ग्राउंड के साथ, ये बना रहा है 30 मीटर 30
सॉरी 30 डिग्री एंगल बना रहा है फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, ठीक है। एंड ये कितना जो एंगल ऑफ एलिवेशन है टावर के फुट से कितनी दूरी पे है, 30 मीटर की दूरी पे है, ठीक है भाई, इतना क्लियर है। सो आपको क्या निकालनी है, हाइट निकालनी है टावर की। नाउ इन दिस केस आपको हाइट निकालनी है, बेस आपको गिवन है, दिस इज 90 डिग्री। सो आपको ऐसा वाला रेशियो यूज़ करना है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, जिसमें आपका बेस और परपेंडिकुलर दोनों ही आ रहा हो, तो दैट मीन्स थर्ड वाला रेशियो, सो इट विल बी 10:30, ठीक है। हम लगाएंगे 10:30 विल बी परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर इज ए बी एंड हाई बेस इज बी सी। सो 10:30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3, और ए बी कितना है, ए बी वी हैव टू कैलकुलेट, बी सी वी हैव गिवन दैट इज 30, ठीक है। सो यहाँ से आप इसे सॉल्व करें, 1 × 30/√3 इज इक्वल टू ए बी, ठीक है। सो ए बी विल बी 30/√3। सो हम इसको रैशनलाइज कर लेते हैं, डिनोमिनेटर में कभी भी हम रूट वाली टर्म्स को एज इट इज़ नहीं छोड़ते हैं, तो वी हैव टू रैशनलाइज इट। सो आफ्टर रैशनलाइजिंग इट, 30√3/3, सो 3 × 10 = 30, सो द वैल्यू ऑफ ए बी दैट इज 10√3 मीटर, ठीक है। ये निकल गई किस चीज़ की वैल्यू आपकी, ए बी दैट मीन्स जो टावर की हाइट है वो कितनी निकल गई हमारे पास, 10√3, ठीक है भाई, इतना क्लियर है, ठीक है। चलिए भाई आज के लिए इतना ही बहुत है, कल करेंगे हम आगे फर्दर क्वेश्चंस। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इससे पहले कि आपने अगर चैनल पे वीडियो नहीं देखी है तो आप और पुरानी वीडियोज़ भी चैनल पे जाके देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।